bro, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like. नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम HTML और CSS की सीरीज़ कर रहे थे, सीरीज़ लेसन कर रहे थे, तो मैं आज आपको करवाऊंगा कि HTML में मार्क्यू टैग का क्या यूज़ होता है। मार्क्यू टैग, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई कि मार्क्यू टैग होता क्या है। ये टैग यूज़ किया जाता है स्क्रोलिंग के लिए, जो टेक्स्ट होता है उसकी स्क्रोलिंग करने के लिए, या इमेजेस के इमेजेस की स्क्रोलिंग करनी होगी तो यूज़ किया जाता है मार्क्यू टैग का HTML में। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जब कोई वर्ड स्क्रोलिंग करता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो उसमें एक मार्क्यू टैग लगाया गया होता है। तो चलिए करके देखते क्या होता है। तो ये जो मार्क्यू टैग है, मैंने बता दिया कि ये स्क्रोलिंग, टेक्स्ट की स्क्रोलिंग करने के काम आएगा, और ये इमेजेस की, जहाँ पे भी लगाओगे, जिसमें भी कंटेंट्स पे लगाओगे, वो इफेक्ट करेगा। तो ये जितने भी बिहेवियर, फिजिकल डायरेक्शन, हाई हाइट, एच स्पेस, लूप, स्क्रोल डिले, स्क्रोल अमाउंट, विड्थ, बी स्पेस, ये सारे के सारे मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट आ गए। तो ये डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। तो चलिए हम चलते हैं कोडर में, एडिटर में, जो एडिटर में हम काम कर रहे हैं उसमें, करके देखते हैं कि मार्क्यू टैग किस तरह यूज होता है और कौन कौन से एट्रीब्यूट है। तो चलिए करके देखते हैं। ये आ गया मेरे पास ब्रैकेट, जिसमें हम एज ए एडिटर यूज़ कर रहे हैं इसको, और ये आ गया ब्राउजर्स। अभी मैंने बॉडी के बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक ही लाइन लिखी हुई है, चंबा इज लैंड ऑफ गॉड जी। अब इसको मैं सेव करके देखता हूँ कि ब्राउजर में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ चंबा इज लैंड ऑफ गॉड लिखा गया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि चंबा इज लैंड ऑफ गॉड पे मार्क्यू टैग लगाना है। तो लगा के देखते हैं। आप किसी के पिक्चर के इमेजेस पे भी लगा सकते हैं, बट इमेजेस टैग अभी मैंने नहीं करवाया, IMG टैग, वो आगे करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए लगा के देखते हैं। मुझे लगाना है मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू मैंने स्टार्ट कर दिया, एंड इसको मैंने कर दिया क्लोज। तो अभी इसको सेव करने के बाद आप फाइल पे जाके यहाँ से सिंपल सेव करोगे, और यहाँ पे ब्राउज़र में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसमें सेव रिफ्रेश करोगे। तो देखिए, ये टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहा है। तो मार्क्यू टैग का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये टेक्स्ट को या फिर इमेजेस को स्क्रॉल किया जाता है, मतलब स्क्रॉल करता है। तो चलिए आगे इसके जितने भी एट्रीब्यूट है वो करके देखते हैं, जो जो मैंने बताया था। और ये एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए, ये जो नीचे लिखे हैं, क्यों? क्योंकि ये जितने भी मैंने कंटेंट्स लिखा हुआ है, ये ब्राउजर्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मैंने कमेंट्स टैग लगाया हुआ है। कमेंट्स टैग क्या होता है, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में करके बताया हुआ है। तो जिसने, जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ पिछली वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको लग जाएगा पता कि कमेंट्स टैग क्या होता है। तो चलिए आगे करके देखते हैं मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट। मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट, मार्क्यू टैग के अंदर जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बिहेवियर, ये देखो सारे के सारे एट्रीब्यूट लिखे हैं साथ में मैंने, कि मैंने कौन कौन से एट्रीब्यूट करवाने हैं मार्क्यू टैग के। तो सबसे पहले करते हैं बिहेवियर का। तो स्पेस जैसे ही करोगे बिहेवियर, यहाँ पे ये देखो शो हो जाएंगे, जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे शो हो जाएंगे। मैं बिहेवियर कर रहा हूँ, बिहेवियर में जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, तो ये बिहेवियर में कौन कौन सी वैल्यू हम एंटर कर सकते हैं। देखो मैंने बताया, मार्क्यू एक टैग होता है, बिहेवियर एक एट्रीब्यूट होता है, और ये जो बीच में जो सेमी कॉलर के बीच में लिखते हैं, इसको वैल्यू बोली जाती है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो मैं पहले अल्टरनेट करके देखता हूँ। देखो मार्क्यू अभी लगाया मैंने, तो ये सिंपल स्क्रॉल कर रहा है, जैसे ये यहाँ से हाइड हो जाएगा और यहाँ से दोबारा आ जाएगा। तो मैं अल्टरनेट करवा रहा हूँ। अल्टरनेट को करने के बाद इसको मैं कर रहा हूँ सेव। जैसे सेव करोगे अब यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ता है देखते हैं। अल्टरनेट किसे बोलते हैं, अल्टरनेट पे क्या होगा, ये स्क्रॉल तो करेगा और यहाँ से वापस हो जाएगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट वैल्यू। बिहेवियर के जो बिहेवियर एक एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू अल्टरनेट करवाई, इसको बोलते हैं बिहेवियर। अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट को ऐसे मुझे दिखाना है ब्राउजर्स में, तो आप बिहेवियर का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट करके देखते हैं, बिहेवियर की ही वैल्यू आ गई एक स्क्रॉल। स्क्रॉल के क्या होता है, इसका वी इफेक्ट पड़ेगा। तो कंट्रोल एस करके या फाइल पे जाके सेव कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है स्क्रॉल वैल्यू का। तो ये जैसे ही स्क्रॉल करेगा, तो ये एंड में ब्राउजर का पेज जो होगा, एंड में सिंपल साइज ये स्क्रॉल करके
हाइड होके और दोबारा से यहाँ से ही आएगा। इसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग करने के लिए। स्क्रॉलिंग फिर से बता रहा हूँ, ये टैक्स जिसमें मार्क्यू लगाया होगा, स्क्रॉलिंग वैल्यू लगाई होगी, ये यहाँ से छिप जाएगा और वापस यहाँ से आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्रॉल वैल्यू। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ मैं स्लाइड। स्लाइड का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। स्क्रॉलिंग से कुछ नहीं होता है, टेक्स्ट ब्राउजर्स के एंड में जाके वापस हो जाएगा। तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है, देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए यहाँ पे जाके सिंपल यहाँ से स्क्रॉल, जब भी मैंने स्लाइड का यूज़ करा तो यहाँ से आया और ये टैक्स यहाँ पे रुक गया। तो ये होती है स्लाइड। तो ये मैंने बिहेवियर के वैल्यू कैसे यूज़ की जाती है, स्लाइड बिहेवियर और सॉरी स्लाइड, उसके बाद अल्टरनेट और मैंने यूज़ करा उसका स्लाइड का। तो जैसे कि मैंने तीनों यूज़ करके देखे कि कौन कौन से यूज़ के, अल्टरनेट, स्क्रॉल एंड स्लाइड, तीनों को यूज़ करके देखा। नेक्स्ट करते बिजी कलर। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी मार्क्यूज के बीच में मैंने बिजी कलर देना है, तो बिजी कलर कैसे दी जाता है, बिजी कलर और जो भी कलर देना चाहोगे आप उस कलर का नाम लिखोगे और इसको करेंगे सेव, और ब्राउज़र में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लीजिए। ये होता है बिजी कलर। अब मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में हाइट एंड विड्थ भी देना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे मैंने हाइट एंड विड्थ भी लिखी हुई है, तो इसका इफेक्ट भी पड़ना चाहिए। तो मैं साथ में ही दे रहा हूँ, इकट्ठे भी दे सकते हैं और साथ मतलब पर्टिकुलर एक एक करके भी दे सकते हैं इसके एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो मैं इसकी दे रहा हूँ हाइट। हाइट कितनी देनी है, मैंने मैंने दे दी 100 पिक्सल, PX में शो करवा रहा हूँ पिक्सल में, और इसको मैंने यहाँ पर कर दिया रिफ्रेश। ये देखिए 100 पिक्सल। उसी तरह मैं विड्थ भी दे देता हूँ साथ साथ में, मुझे विड्थ देनी है इसकी 150 पिक्सल। 150 कम होगी वैसे, चलो देख लेते हैं क्या होती है। ये देखिए ये मैंने विड्थ दे दी, चलो थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो मैंने 450 दे दी, ये देखिए। चलो अगर आप चाहते हो कि विड्थ मैंने नहीं देनी है, कम करना है ज़्यादा करना है वो आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, बट मैंने विड्थ मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं कर रहा हूँ कट और ये रहने दिया मैंने। उसके बाद करते हैं हाइट एंड विड्थ। डायरेक्शन, डायरेक्शन जो एट्रीब्यूट होगा उसका क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे, तो डायरेक्शन करने के लिए यहाँ पे सॉरी मैं बिजी कलर और ये हाइट रहने देता हूँ। इसके साथ ही मैं सिंपल सा डायरेक्शन का यूज़ करने बता रहा हूँ। आप ये इकट्ठे भी कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, और सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं जितने भी एट्रीब्यूट हैं। सॉरी, तो डायरेक्शन, जैसे ही मैंने डायरेक्शन में क्लिक करा, ये डायरेक्शन जो एट्रीब्यूट टैक्स है मतलब मार्क्यू टैक्स जो है जिसमें मार्क्यू लगाया गया हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी डायरेक्शन देनी है डाउन। तो मैं पहले डायरेक्शन दे रहा हूँ डाउन की तरफ, कंट्रोल यस सेव कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये देखिए डायरेक्शन इसके डाउन हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि सर डाउन नहीं करनी है, मैंने अप करनी है, तो मैं अप भी करवा सकता हूँ। ये टैक्स जो होगा वो अप की तरफ चल पड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। ये देखिए ये होते डायरेक्शंस। नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि सर लेफ्ट या राइट, जैसे भी आप करोगे लेफ्ट राइट तो वैसे ही काम, ये जो टैग्स है जिसमें मार्क्यू टैग लगा हुआ है वो वैसे ही काम करेगा। मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो ये मैंने करवा दिया डायरेक्शन का। नेक्स्ट करते हैं एच स्पेस। चलो एच स्पेस को बाद में करते हैं, स्क्रॉल डिले करते हैं। स्क्रॉल डिले का यूज़ क्या होता है, तो डायरेक्शन को मैं हटा देता हूँ, इसी के साथ मैं लगा देता हूँ हाइट के साथ साथ स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले का यूज़ क्यों करते हैं, स्क्रॉल डिले जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे कितनी स्पीड, तो मैं 60 60 दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको स्पेस कर रहा हूँ। देखो मैंने जैसे ही स्क्रॉल डिले कर दिया तो ये 60 में पहुँचाई, तो ये थोड़ा स्पीडली काम करने लगे। मैं 6 कर रहा हूँ, तो जैसे मैं 6 करता हूँ ये देखिए थोड़ा कम हो गया। अगर मैं ज़्यादा करता हूँ स्क्रॉल डिले, जैसे मैंने कर दिया 150, और जब मैं इसको, तो जैसे जैसे मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो स्क्रॉल डिले, डिले का मीनिंग होता है कि वो स्लो हो जाएगा। तो मैंने बोला कि सर 150 की स्पीड में ये चलना चाहिए, तो ये स्पीड जैसे ही मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो वो कम स्पीड हो रही है। जैसे मैं वैल्यू कम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर 15 ही रहने देता हूँ इसकी स्पीड स्क्रॉल डिले की, तो जैसे क्लिक करूँगा तो वो स्पीडली चल पड़ेगा। ये होता है स्क्रॉल डिले का, कि जब जिसमें भी मार्क्यू टैग लगाया वो स्लो करना है या फिर स्पीडली काम करवाना है, तो वैसे आप स्क्रॉल डिले का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके साथ एक और टैग होता है स्क्रॉल अमाउंट, अगर वो करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा स्पेस
स्क्रॉल अमाउंट, इसके साथ अगर मैं लिखता हूँ 3, मैं चाहता हूँ कि ये कितनी स्पीड में चलना चाहिए, इसे 3 लिखा, ये देखिए अब इसकी वैल्यू नीचे से स्टार्ट होगी। जैसे स्क्रॉल डिले कर रहा था तो जैसे मैं वैल्यू बढ़ा रहा था तो इसकी स्पीड ली कम हो रही थी, इसकी स्पीड जिसमें मार्क्यू टैग लगाया था। अब जिसमें मैंने स्क्रॉल डिले की वैल्यू कम कर रहा था तो स्पीडली बढ़ रही थी, इससे क्या होगा कि स्क्रॉल अमाउंट सीधी अमाउंट करेगा, मतलब सीधा चलेगा स्क्रॉल। अगर अमाउंट में मैं 3 डालता हूँ तो इसकी स्पीड कम हो रही है। अगर मैं 300 डालता हूँ, मान लीजिए मैंने 300 डाला, अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये देखो कितनी स्पीडली काम करेगा। तो स्क्रॉल अमाउंट सीधा काम करता है, मतलब जितनी वैल्यू आप कंटिन्यू डालोगे उतनी स्पीड चलेगा, और स्क्रॉल डिले जितनी वैल्यू कंटिन्यू आगे की तरफ डालोगे उतना स्लो करेगा वो काम। जो होता है स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले के बीच में डिफरेंस बता भी, डिफरेंस भी यही होता है। और जैसे मैं 60 कर रहा हूँ तो कंट्रोल एस करके ये देखिए वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है जी। ये होता है स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले, मैंने डिफरेंस भी बता दिया, अगर एक बार पॉज करके वीडियो ध्यान से देखने तो देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं लूप, सॉरी लूप का यूज़ करने से पहले मैं करवा देता हूँ एच स्पेस। एच स्पेस क्या होता है, मैं एच स्पेस ही करवाऊँगा। एच का मीनिंग होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस, और वी स्पेस भी है नीचे, इसका मीनिंग होता है वर्टिकल स्पेस। तो मैं एच स्पेस ही करवाऊँगा, वी स्पेस आप खुद करके देखने के बाद। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने लिखा एच स्पेस, एच स्पेस जैसे ही करूँगा मैं कितना एच मतलब हॉरिजेंटली कितना स्पेस देना चाहता हूँ, यहाँ से आ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि सर 50 पिक्सल ये हॉरिजेंटली स्पेस छोड़ दे। तो देखिए अभी ये जो आ गया वो यहाँ से स्पेस छोड़ रहा है, मार्क्यू पूरा का पूरा मार्क्यू छोड़ रहा है, तो होता है एच स्पेस। अगर मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया कि सर मुझे 100 पिक्सल मार्क्यू हॉरिजेंटल से स्पेस छोड़ना है, तो ये देखिए ठीक है जी, ये एच स्पेस होता है। वर्टिकल करोगे तो वो टॉप से छोड़ देगा वर्टिकल का। तो चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट आ गया मेरे पास लूप, लास्ट इसका एट्रीब्यूट आ गया लूप। लूप क्या यूज़ करता है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि स्क्रोलिंग हो रहा है, कितनी बार स्क्रोल होके रुक जाए, मतलब कितनी बार स्क्रॉल होए और वो उसके बाद हाइड हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि लूप फंक्शन के जरिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद स्पेस करके लूप इक्वल टू कितनी बार, मैं ये चाहता हूँ कि ये आता है, देखो ये आ रहा है फिर यहाँ से आएगा फिर से यहाँ से आएगा, मैं चाहता हूँ कि लूप होता है कि कितनी बार ये स्क्रॉल होए और उसके बाद वो स्टॉप हो जाए। तो लूप करके मैं चाहता हूँ कि दो बार ये आए और उसके बाद वो स्टॉप हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये दो बार आएगा, जैसे यहाँ से ये अभी स्क्रॉल होके आ रहा है, तो जैसे ये हाइड हो जाएगा उसके बाद ये फिर से एक बार आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप दिया हुआ है दो, तो ये दो जैसे डालोगे लूप का मीनिंग होता है ये कितनी बार स्क्रॉल करके आएगा और ये उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो मैंने वैल्यू दो दी हुई है, अब ये दूसरी बार आ चुका है, अभी तीसरी बार नहीं आएगा, क्यों देखिए नहीं आया, क्योंकि ये मैंने लूप फंक्शन यूज़ करा हुआ, यहाँ पर लूप एट्रीब्यूट यूज़ करा हुआ। तो ये थे मेरे मार्क्यू फंक्शन और मार्क्यू फंक्शन के एट्रीब्यूट, सॉरी मार्क्यू टैग और उसके एट्रीब्यूट। आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।